मैंने अपने पति के सपने को पूरा किया है। वो चाहते थे कि मैं अधिकारी बनूं। उनकी शहादत के बाद मैंने इस सपने को पूरा करने का संकल्प लिया था। ये कहना है 2 साल पहले लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हुए दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह का, जो अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी हुई है। 29 अप्रैल को रेखा सिंह पासिंग परेड में शामिल होंगी। आपको बता दें, गलवान घाटी में चीनी सेना से हुई झड़प में शहीद हुए मध्य प्रदेश के रीवा निवासी दीपक सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान राष्ट्रपति के हाथों रेखा सिंह ने ही प्राप्त किया था। शादी के महज 15 महीने बाद पति को खोने के बाद भी रेखा सिंह का हौसला नहीं टूटा। पति की शहादत ने खम और गुस्से से भरी रेखा सिंह के दिल में सेना में शामिल होने का जज्बा पैदा कर दिया और उन्होंने वो कर दिखाया जिस पर उनके परिवार के साथ ही पूरा देश गर्व कर रहा है। लेकिन ये सब रेखा सिंह के लिए इतना आसान नहीं था। आखिर कैसे उन्होंने ये सफलता हासिल की, बताएंगे आपको इस वीडियो में। शहीद बिहार रेजिमेंट की 16 बटालियन के लांस नायक दीपक सिंह रीवा जिले के फरीदा गांव के रहने वाले थे। दीपक सिंह ने जाबाज सैनिक के रूप में 15 जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के धोखे से किए गए हमले का जोरदार मुकाबला किया था। उन्होंने अपने साथियों के साथ चीनी सैनिकों से लड़ते हुए चीनी जवानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि इस संघर्ष में दीपक सिंह मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। जब वे शहीद हुए तब उनकी शादी को महज 15 महीने ही बीते हुए थे। दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह पेशे से टीचर थी, लेकिन पति की शहादत और देशभक्ति की भावना देखकर उन्होंने अपनी टीचर की नौकरी छोड़कर सेना में जाने का फैसला लिया। रेखा ने एमएससी और बीएड कर रखी थी। वो जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षिका थी, लेकिन शादी के बाद ही पति दीपक सिंह ने उन्हें अफसर बनने के लिए मोटिवेट किया और पति की शहादत के बाद उन्होंने उनका सपना पूरा करने की ठान ली। लेकिन रेखा सिंह के लिए सेना में भर्ती होने की तैयारी आसान नहीं थी। उनके लिए नोएडा आना और एंट्रेंस की तैयारी करना बेहद मुश्किल था। लेकिन कहते हैं कि मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। इसी को चरितार्थ करते हुए रेखा सिंह ने नोएडा से एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी। वो फिजिकल ट्रेनिंग में पहले प्रयास में सफल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तैयारी जारी रखी। रेखा सिंह को दूसरे प्रयास में कड़ी मेहनत का फल मिल गया और वो सेना में लेफ्टिनेंट बन गई।